झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों यानी एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुझान देखने मिलेगा। तो हमने देखा पिछले हफ्ते एक सीमित दायरे में या रेंज बाउंड ट्रेड हमें सारे ही जो मेजर एग्री कमोडिटीज़ है उसमें देखने मिला। इस बार की जो एनालिसिस है उसकी शुरुआत हम मसाला कॉम्प्लेक्स से करते हैं। हमने देखा कि काफ़ी छोटे से बैंड में हल्दी जो है वो ट्रेड हुई थी और इस सप्ताह की जो क्लोजिंग थी वो 8,000 के करीब देने में कामयाब हुई है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि जिस प्रकार हमने पहले भी डिस्कस किया है कि शॉर्ट टर्म जो एक बायस है या जो रुझान है वो नीचे की तरफ दिखता है, तो उसके चलते मैं कहना चाहूँगा कि 7,800 से 7,850 का एक लेवल पॉसिबल है, यानी करंट लेवल से भी करीबन 2% की एक नरमी प्राइसेस में दिखाई दे सकती है। हालांकि यहाँ पर हमने देखा कि जो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था प्राइसेस ने पुल बैक देखे क्लोज दिया है, लेकिन अपने उच्चतम स्तर से कहीं ना कहीं एक करेक्शन आई और हमने आते हुए देखी और 8,100 से 8,000 के करीब क्लोजिंग दी है। तो ऊपरी स्तरों पे हम देख रहे हैं कि बिकवाली हावी हो रही है और यही मेरा मानना है कि आगे भी जारी रहेगा और हम 7,800 से 850 तक के स्तर देख पाएंगे। वहीं धनिया में हमने एक अच्छा खासा पुल बैक आते हुए देखा, जहाँ पर दाम जो थे वो 11,200 के आसपास बंद हुए हैं। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है धनिया जो है वो 11,000 के स्तर को होल्ड कर पाएगा और अपसाइड में 11,600 से 700 तक की एक जो मैं शॉर्ट कवरिंग मूव कहना चाहूँगा या जिन्होंने बिकवाली की थी वो मुनाफा वसूली करने आएंगे, तो ये एक रुझान देखने मिल सकता है। तो धनिया में तेज़ी करके चला जा सकता है 11,600 से 700 के लक्ष्य के लिए। हालांकि जीरा जो है वो एक सीमित दायरे में रहेगा, जिस प्रकार हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 22,200 से 20,800 का एक दायरा है। हमने 21,000 के करीब दाम को जाते हुए देखा था, लेकिन जो हफ्ते का क्लोज आया है वो 21,450 से 60 के करीब देने में कामयाब हुई है प्राइजेस। इमीडिएट तौर पर ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत अपसाइड यानी 21,700 से 800 तक का एक लिमिटेड अपसाइड हमें देखने मिलेगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो दायरा है वो बना रहेगा, यानी 22,000 से ज़्यादा ऊपर दाम सस्टेन नहीं होंगे और वहीं पर 20,800 से 900 के स्तर पर हमें सपोर्ट भी आता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं 1,000 रुपये की रेंज जो है यहाँ पर हमें जीरे में देखने मिल सकती है। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की जा सकती है, साथ ही साथ 20,800 से 900 के करीब अगर दाम मिलते हैं आने वाले कुछ दिनों में तो वहाँ पर दोबारा खरीदारी भी करके चला जा सकता है। वहीं ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ऐसा लगता है कि ग्वार गम और ग्वार सीड में फ़िलहाल पिछले कुछ हफ्तों से कुछ ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही है और कुछ समय और यही चलेगा। हमें ग्वार सीड में हो सकता है कि 6,100 से 200 के बीच रेजिस्टेंस आता हुआ दिखे, यानी ऊपरी स्तर पे बिकवाली जो है हावी होती हुई दिखे। एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि 5,800 के नीचे दाम जो है उसका जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो अगर आने वाले हफ्ते में पहला जो रुख है वो ऊपर की तरफ दिखता भी है तो मैं समझता हूँ कि एक बार बिकवाली करके चल सकते हैं, लेकिन डाउनसाइड जो है वो 5,900 से 850 के बीच सीमित रहेगा। ग्वार गम में मुझे लगता है लेकिन इसके विपरीत थोड़ा बहुत तेज़ी का एक ट्रेंड देखने मिल सकता है, जहाँ पर 11,400 के नीचे फिलहाल मैं प्राइजेस को जाता हुआ नहीं देखता हूँ और अपसाइड में 11,900 से 12,000 तक के लेवल हमें इनिशियली देखने मिल सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ा अपसाइड नहीं है, लेकिन करीबन 2% की एक प्रॉफिट बुकिंग मैं समझता हूँ जिन्होंने बिकवाली की है वो मुनाफा वसूली करेंगे और 12,000 तक के लेवल देखने मिलेंगे, जिसके बाद दोबारा हम इसको एक दायरे में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो दोनों में से यानी ग्वार सीड और ग्वार गम में से मेरा मानना है कि ग्वार गम में हमें थोड़ा बहुत उछाल देखने ज़रूर मिलेगा। ग्वार सीड में भी अगर 6,100 के करीब प्राइस जाती हैं तो वहाँ पर बिकवाली हावी होगी। वहीं अगर कॉटन और कॉटन सीड ऑल केक की बात करें तो M6 कॉटन में हमने देखा कि जो 50,200 का लक्ष्य था जो दो हफ्ते पहले हासिल हो चुका है, उसके बाद बड़ी और अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने 47,200 के लेवल तक आते हुए देखी। हालांकि हफ्ते का क्लोज आते आते कहीं ना कहीं 48,500 के ऊपर के स्तर देखने मिले और आखिरी कारोबारी दिन लगभग 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने मिली। शुरुआती दिनों में आने वाले कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि ये तेज़ी जारी रहेगी, लेकिन
अपसाइड यहाँ से जो होगा मैं समझता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बेसिस एटलीस्ट लिमिटेड होगा। मैं नहीं समझता कि 49,000 से बहुत ज़्यादा दाम जा पाएंगे, हो सकता है 49,200 से 300 तक दाम जाएंगे और उसके बाद दोबारा जो है प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाएगी। यानी मैं फ़िलहाल आने वाले 1 से 2 हफ्तों के लिए नई ऊँचाइयाँ छूते हुए नहीं देखता हूँ M6 कॉटन में। वहीं अगर कॉटन सीड ऑयल की या बिनोला खल की बात करें तो निचले स्तरों से ज़रूर एक बाइंग दिखाई दी है और जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है कि 2700 से ज़्यादा नीचे फ़िलहाल दाम नहीं जाते हुए दिखते। इनफैक्ट मीडियम टर्म ऐसा लगता है कि आने वाले 3 से 4 हफ्तों में हम 3000 के ऊपर के लेवल भी देख पाएंगे, लेकिन अगर मैं एक हफ्ते की ही बात करूं तो ऐसा लगता है इमीडिएट तौर पर 2920-2930 तक के लेवल जा सकते हैं, जिसके बाद दोबारा हमें एक करेक्शन देखने मिलेगी। यानी जो दायरा रहेगा वो कहीं ना कहीं 2840 से 2920 का होने की आशंका है। जिनके पास ऑलरेडी बाइंग पोजीशन है वो 2920 के करीब मुनाफा वसूली कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद दोबारा एक करेक्शन हावी होने की संभावना बनी हुई है। वहीं पर कैस्टर सीड में हमने 7700 के न्यू रिसेंट हाइज बनते हुए ज़रूर देखे, लेकिन उसके बाद दाम में जो है बिकवाली का रुख देखने मिला। ऐसा लगता है कि 7600 के ऊपर वीकली क्लोज़ यानी हफ्ते का साप्ताहिक क्लोज़ जो हम देखते हैं वो नहीं आ पा रहा है, और इसके चलते मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में 7500 तक भी दाम फिसल सकते हैं और आने वाले कुछ हफ्तों के लिए 7450 से लेके 7750 का एक दायरा बना रहेगा और इसी दायरे में कहीं ना कहीं ट्रेड होंगे। लंबी अवधि में अब भी तेज़ी है, लेकिन मुझे लगता है फ़िलहाल कम से कम 2 से 3 हफ्तों के लिए ये तेज़ी नहीं दिखाई देगी और एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखाई देगा। मिडिल ऑफ जून यानी आने वाले महीने के मिडिल से हो सकता है हमें तेज़ी बिल्डअप होते हुए दिखाई दे, लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि एक दायरे का कारोबार बनता हुआ दिखेगा। वहीं रिफाइंड ऑयल में जिस प्रकार हमने पिछले सप्ताह बात की थी कि जो 1550 से 60 के भाव थे और ऐसी बात हो रही थी कि 1525 से 30 तक आ सकते हैं, तो वो लेवल हमने हासिल होते हुए देखा है। ऐसा लगता है यहाँ पर थोड़ी बहुत स्थिरता या थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी हमें देखने मिलेगी। 1520 के नीचे फ़िलहाल मैं प्राइसेस को जाता हुआ नहीं दिखता और एक हल्की सी शॉर्ट कवरिंग मूव हमें 1555 तक के लेवल तक जाते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल में एक बार बाइंग करके चला जा सकता है छोटी अवधि में और डिसेंट यानी 2 से 3% की एक अपसाइड मूव हमें देखने मिल सकती है। तो ये था एक जायज़ा कि जो मेजर एग्री कमोडिटीज़ हैं उनमें आने वाले दिनों में क्या रुझान देखने मिलेगा। धन्यवाद। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।